वंदे गुरु साहित्य समागम में मातृभाषा ही है मानव के विकास का आधार पर जोर दिया गया। कुछ ऐसे ही विचार शनिवार को विश्वविद्यालय के संस्कृति भवन के सभागार में आयोजित श्री बांके बिहारी एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा सामुदायिक रेडियो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय एवं इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन संस्कृति के सहयोग से वंदे गुरु साहित्य समागम 2024 में वक्ताओं के द्वारा सामने आए। समागम का शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कुलपति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रोफेसर आशु रानी, मुख्य अतिथि इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन संस्कृति चेयरमैन पूरन डावर, अपशा अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता, महंत गौरव गिरी, अभिषेक पारसर, बीएसए आगरा जितेंद्र गौड़, न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर नरेश शर्मा, FAFM अध्यक्ष कुलदीप कोहली, श्राप ग्रुप के चेयरमैन अनिल मगन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर कुलपति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रोफेसर आशु रानी ने कहा कि इस आयोजन से स्पष्ट हो रहा है कि आज का युवा साहित्य में रुचि ले रहा है। साहित्य ही हमारे भूत भविष्य और वर्तमान से जोड़ता है। हमारी संस्कृति का संरक्षण भी साहित्य सृजन से ही संभव है। इस प्रकार के आयोजन इस दिशा में मील का पत्थर साबित होते हैं। वहीं पूरन डावर ने कहा कि हिंदी न सिर्फ हमारी मातृभाषा है बल्कि यह अभिव्यक्ति का वह माध्यम है जो कि हमें सहजता से सटीक शब्दों में अपने मन की बात रखते हुए हमें हमारी जड़ों से जोड़ने का काम करता है। आज वंदे गुरु साहित्य महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। आज राष्ट्रीय कवि सम्मेलन किया गया है और उसमें आज हम लोगों ने जो राष्ट्रीय हिंदी भाषा मातृभाषा है उसके लिए जोर दिया गया और इस पखवाड़े के तहत हम लोग हिंदी मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है, गुरुओं का सम्मान किया गया है जिसमें उच्च शिक्षा के शिक्षकों का, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों का और बेसिक शिक्षा के शिक्षकों का। ये जो वंदे गुरु साहित्य समागम का जो आयोजन किया गया है और कहीं ना कहीं साहित्य और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसमें जो आगरा शहर के जो वरिष्ठ गुरुजन हैं उनका सम्मान भी इस कार्यक्रम में किया जा रहा है और एक बहुत ही खूबसूरत जो देश के प्रख्यात कवि हैं उनके साथ एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि हिंदी का जो परचम पूरे वैश्विक स्तर पर जो लहरा रहा है उसमें जो हमारी कवि सम्मेलनी जो मंच है, कवि सम्मेलनी जो संस्था है, उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। वहीं डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। स्वागत उद्बोधन श्री बांके बिहारी एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन शर्मा ने किया। वहीं अतिथियों का स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापन नकुल सारस्वत ने किया। हमारे इस कार्यक्रम में आगरा के हर स्थान के शिक्षकों का हम सम्मान कर रहे हैं और हमारे जीवन में हर गुरुओं का एक स्थान होता है और हम उन गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद। इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लवकुश मिश्रा, बीडी शुक्ला, सामुदायिक रेडियो स्टेशन की पीआरओ पूजा सक्सेना, इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन संस्कृति के अजय शर्मा, ब्रजेश शर्मा, डॉक्टर राम नरेश शर्मा, अविनाश वर्मा, गब्बर राजपूत, दिव्या मलिक आदि विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रीनेश मित्तल ने किया। मून न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।